और बहुत से फॉर्मूले हैं वो मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लिखवाता हूँ प्रोडक्ट रूल में। ये लिखेगा डी अपॉन डी एक्स ई पावर, ये मैंने ऊपर बॉक्स बनाया है। बॉक्स का मतलब क्या होगा? इस बॉक्स का मतलब ये होता है कि एनी वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, एनीथिंग। एक्स भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, एक्स का स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जो आपका बॉक्स होगा वो तो पहले तो एक्सपोनेंशियल वैसे ही लिखना है, एक्सपोनेंशियल, और उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी बॉक्स वो वैसे की वैसे ही लिखनी है। लेकिन साथ में आगे देखिएगा मैं क्या करूंगा, जो बॉक्स होगा उस बॉक्स का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ स्टूडेंट, टू की पावर अगर मेरे पास 2x है और इसका मैंने डेरिवेटिव करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं इस तरह कुछ करूंगा, e की पावर 2x, जिस तरह हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था कि एक्सपोनेंशियल पहले आ जाएगा, दोबारा से एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव। अब एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या था, 2x था, अगर मैं 2x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, की पावर 2x मिल जाती है। सॉरी, मुझे एक्सपोनेंशियल का क्या मिल जाता है, ओनली 2 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, फिर आप एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी वैल्यू होगी हम लोग उस वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। ये बात याद रखिएगा, चाहे वो 2x का है या 3x का है, देखिए हमने उसका क्या किया है, डेरिवेटिव। देखिए जी, क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स। अब मेरे पास यहाँ पे दो अलग-अलग फंक्शन है, याद रखिएगा, एक्स इज पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल, एक अलग फंक्शन है, एक्स इज अ डिफरेंट फंक्शन, दोनों अलग-अलग वैल्यूज हैं। अब जब दो अलग-अलग वैल्यूज हैं और दोनों वैल्यूज आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, तो हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट रूल को यूज करना है। अब क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले मैं जब सॉल्यूशन में आऊंगा लिखूंगा y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, और नीचे लिखूंगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखूंगा, डी यू डॉट वी यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, ये हमारा था फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने ले लिया एक्स को, यू ले लिया, और वी जो है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को मैंने बी ले लिया। हमारे पास दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यू अलग अलग हैं, एक्स इज अ डिफरेंट, एक्सपोनेंशियल इज अ डिफरेंट, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव यूज करना है, तो जब डेरिवेटिव को यूज करूंगा तो मुझे पता है मैंने प्रोडक्ट रूल यूज करना है। जब मैं प्रोडक्ट रूल को यूज करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, यू डॉट बी, तो मैं लिखूंगा यू डेरिवेटिव ऑफ बी, v डेरिवेटिव ऑफ u, x इक्वल्स टू u
और जो दूसरी वैल्यू एक्सपोनेंशियल वो वी हो जाएगी, मैं यहाँ पे यू और बी लिखूंगा, यू डेरिवेटिव ऑफ वी वी डेरिवेटिव ऑफ यू। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था कि जो भी ई के ऊपर जो होता है उसका आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। तो ई के ऊपर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। तो आप वन लिखना है तो वन लिख ली, लेकिन वन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आगे क्या करूंगा, ई के ऊपर एक्स दोबारा से वैसे ही है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम पीछे भी कर चुके हैं, टू नीचे आता है, टू में से पावर एक माइनस होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, टू एक्स आ जाता है। अगर मैं ले लूं कॉमन किसको, ई की पावर एक्स को, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। I think मैंने x लिखा था तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे x आएगा। x का डेरिवेटिव वन हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे भी 1 आएगा, x प्लस 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये 1 हो जाएगा और ये इसका यही आंसर। अच्छा नेक्स्ट जो हम करेंगे, x का स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर लिखा हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास दोनों एक अलग अलग फंक्शन आ गए हैं। अब अगर दोनों अलग अलग हैं, x अलग है, एक्सपोनेंशियल अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगेन यूजिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, d, मैं बार बार फॉर्मूला इसका लिख के भी बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर मैंने वही फॉर्मूला को यूज किया, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा एक बात का याद रखिएगा, डेरिवेटिव जो मेरे आगे की वैल्यू होगी उसका होता है जो पीछे डेरिवेटिव पे लिखा होता है, डी अपॉन वी एक्स के साथ जो वी लिखा हुआ है ना, मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा, ना कि जो मेरे पास पीछे जो वैल्यू लिखी है यू उसका डेरिवेटिव करूंगा, ये बात का थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अच्छा वैसे ही करना है, इसको ले लेना है आपने यू और इसको ले लेना है आपने वी, ले लेना है डी वाई अपॉन डिफ्रेंशिएट, वही करेंगे, वही स्टेप वैसे ही इसके रहेंगे। मैं यहां पे लिख लूंगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक स्टूडेंट्स लिखने के बाद वैसे ही यू डॉट वी, तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इज द यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ, अब यू हमारे पास कितना है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव हम ई की पावर एक्स स्क्वायर का ले, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वैसे की वैसे ही जो है वो आ जाएगी, और उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे।
यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव से पहले इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर मेरे पास कितना है 2x है, क्योंकि 2 नीचे आएगा, 2 में से एक माइनस 1 होगा, वो पावर रूल यूज करेंगे। दोबारा से सुन लूंगा स्टूडेंट्स, जो मैंने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किया है मैंने आपको पीछे, अगर फॉर्मूला आप देख भी सकते हैं तो मैं आपको पीछे फॉर्मूला भी यूज करना बता सकता हूँ। फर्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे पास था x का स्क्वायर था, यहाँ पे x का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल दोबारा से आएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, बॉक्स में क्या था x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। इसी तरह वहां पे भी मैंने इसी को यूज किया है। अच्छा अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैल्यू को लिखते हैं कि वैल्यू को लिखेंगे कैसे। अब देख सकते हैं मेरे पास एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मीन जब एक्स का स्क्वायर है तो टू नीचे आएगा, टू में से एक माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे तो मेरे पास कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। अब कॉमन किसको ले सकते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, प्लस के एक साइड भी चीज एक वैल्यू सेम है, दूसरी साइड भी सेम है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x और यहाँ पे रह जाएगा 2x, अब हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी से मिलता जुलता। y इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर एक्स स्क्वायर है, ये वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, u डॉट v करेंगे, d अपॉन u डॉट v, u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा आप बोलेंगे एक वैल्यू तो डिवीजन में हो रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल जितना अभी तक पढ़ा है उसमें क्या होता था, हमने जब भी 1/x आ जाए एक्स को कहाँ लेके जाते थे, अपॉन के ऊपर ले जाते थे। इसका ये होता है हमें कि क्योंकि डेरिवेटिव ने क्या बताया था, जितने भी हमने किए थे जो भी वैल्यू अपॉन में होगी उसको ऊपर लेके जाओ, उसके बाद डेरिवेटिव करो। एक्स की पावर जो माइनस वन है जो हमारे पास यू है, और ई की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास बी है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स मैं इसको यूज करूंगा, ये हमारे पास यू हो जाएगा और ये बी एक्स की पावर माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन तो वैसे ही लिखूंगा। अब डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा जैसे हम पीछे करते आए हैं, और डेरिवेटिव किसका होगा एक्स स्क्वायर का होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही होगा, कौन नीचे आएगा माइनस वन, और किसमें से माइनस वन करेंगे इस तरह कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है स्टूडेंट 2x हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस वो मैं नेक्स्ट स्टेप में दोबारा कर लूंगा, ये इसको मैं माइनस वन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा जब मैं अपॉन में इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये भी एक्स की पावर माइनस वन है इसको भी अपॉन में ले जाओ, प्लस माइनस माइनस
ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स से कैंसिल। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, ई की पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2-1 अपॉन एक्स स्क्वायर एल्फो मिलने की जरूरत नहीं है, आपका यही तक आंसर हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये करना है कि x की पावर -1 को मैं अपॉन में ले आऊंगा। अच्छा, उसके बाद x स्क्वायर का मेरे पास डेरिवेटिव होता है 2x, और प्लस माइनस माइनस कर सकते हो आप लोग। x की पावर -1 -1 -2 हो जाएगा, और -2 को मैंने कहाँ लिख लिया, e की पावर x स्क्वायर के अपॉन में लिख लिया। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्लस माइनस माइनस की कर दिया, ये x की पावर -1 की अपॉन में जाके 1/x होगी, e की पावर x स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख लिया प्लस 2x, एक x से एक x मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस e की पावर x स्क्वायर था, ये x के ऊपर x नहीं है, ये x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब कॉमन क्या निकाल सकते हो, माइनस के इस तरफ भी e की पावर x है, माइनस के इस तरफ उस तरफ भी e की पावर x स्क्वायर है, तो आपने कॉमन किसको ले लेना है, e की पावर x स्क्वायर को। जब e की पावर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बची थी, 2-1/x का स्क्वायर बच जाएगा।